कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्ट वर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा, स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नारियल पानी की दुकान को नुकसान पहुंचाने का एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने वीडियो बनाया, तो चार लोगों ने वीडियो बनाने को लेकर विरोध जताते हुए एम्बुलेंस ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया है। ये पूरा मामला नवी मुंबई के नेरुल का है। पुलिस ने हत्या के मामले में चार आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक का नाम युवराज सिंह बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी जिसका नाम है अमजद रियाज खान 45 वर्ष और उसका बेटा समीर खान 24 वर्ष और शोएब खान 22 वर्ष और एक नाबालिग है। दरअसल एम्बुलेंस ड्राइवर युवराज सिंह डीवाई पाटिल अस्पताल के गेट के पास में इनका मर्डर हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी अस्पताल के पास मौजूद नारियल पानी की दुकान को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसकी वीडियो युवराज सिंह ने बनाया था और ये वीडियो युवराज सिंह ने नारियल पानी वाले दुकान को दिखा दिया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने अस्पताल के गेट के पास पहुंचते ही हथियारों से हमला कर युवराज सिंह को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने इस हत्या के मामले में बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कल नेरुल पुलिस स्टेशन में डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के सामने एक युवराज सिंह नाम के युवक की हत्या हुई है। इसमें तीन आरोपी हम लोगों ने अभी तक अरेस्ट किए हैं। इसमें ये जो युवराज सिंह था, उसने एक जो आरोपी थे वो एक जगह से नारियल की चोरी कर रहे थे। वो जो नारियल वाली महिला थी उनसे इनका झगड़ा था, उसका शूटिंग युवराज सिंह ने किया था। इसका गुस्सा आने से ये तीनों ने इसका मर्डर किया है। इसमें सब आरोपी अटक करके उनका 6 तारीख तक पुलिस कस्टडी लिया है और आगे का तपास हम लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, पहला कुछ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। सब लोग मानपुर गोविंद के रहने वाले हैं और इसमें आगे का तपास करके हम लोग बाकी की माहिती आपको बता सकते हैं।